Subscribe to Shimaru and click the bell icon to never miss an update. वाला सस्ता एक्टर जब फ्लैशबैक में गया तो भी इसे वो याद आया कि वो लड़कियों को छेड़ रहा था। मतलब ये नहीं कुछ बहादुरी वाला काम याद कर ले। और आपने गाना देखा किस तरीके से सिंक में एकदम ईव टीजिंग हो रही है। सब लोग घर से ईव टीजिंग की कोरियोग्राफी करके आए हैं। ये ईव टीजर अब पुलिस वाला बन गया है, जैसे स्कूल में नहीं रहता था। बच्चे को मॉनिटर बना दो। और कौन है यार ये लोग, इनके पास घर पे कुछ काम नहीं है क्या? सड़क पे इधर उधर फालतू का कपड़ा पहन के नाच रहे हैं। और यार ये लोग कैसे झुंड में एकदम करिश्मा कपूर की तरफ कूद रहे हैं यार। मुझे तो ऐसा देख के लगा कि एक बार डायरेक्टर के मन में आया थोड़ा ज़ॉम्बीज़ वाला एंगल डाल देते हैं। पर शायद उसे बीच में फिर याद आ गया कि ये तो गुड़िया वाली हॉरर मूवी है, पर थोड़ा ग्लिम्स देते तो कोई बुरा नहीं लगेगा। और अगर इस गाने को आप ध्यान से ना भी देखो ना तो भी पता चल जाएगा कि ये काफ़ी मोलेस्टेशन भरा सॉन्ग है। पर ऐसा लग ही नहीं रहा कि किसी को बुरा लग रहा है, क्योंकि इस टाइम पे लोग थे ही इतने कम्फर्टेबल। मतलब आज भी अगर ये चाहे ना करिश्मा कपूर तो इस एक्टर पे आईपीसी सेक्शन 354 के अंडर केस डाल सकती है। बेस्ट पार्ट तो ये है जब ये गाना अचानक से मोलेस्टेशन से लव सॉन्ग में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक शॉट में ये इसे शहर के बीच में चौराहे पे छेड़ रहा है और अगले में सीधा पहाड़ों में गंदा डांस। चाल में उसकी एक नशा है जो हो गाना किसी बोतल में। आँखों से उसकी बरसे है शोले जैसे बिजली चमके बादल में। इतने गंदे डांस के लिए मैं इस पे पब्लिक न्यूसेंस का केस भी कर सकता हूँ। उसका सेक्शन है आईपीसी 268, कॉजिंग अनोयंस टू पीपल इन द विसिनिटी। मतलब ये इतना गंदा डांस है कि हर स्टेप के साथ ये आदमी ना कोरियोग्राफर के मुंह पे। और यार वैसे कई बार ना हम लोग रिव्यू में पढ़ते हैं ना कि ये मूवी बहुत स्लो थी, पर ये मूवी कुछ ज़्यादा ही फास्ट है। ये 4 मिनट के अंदर ईव टीजिंग से मोलेस्टेशन, मोलेस्टेशन से प्यार, और अब प्यार से सीधा शादी की बात भी हो गई घर पे। तुम्हारे कहने से काम नहीं चलेगा। भाई मैंने डैडी से तुम्हारे बारे में बात कर ली है, अब अगर वो खुद तुमसे मिलना चाहते हैं तो मैं उन्हें कैसे मना कर सकता हूँ। तुम तो साथ में रहोगे ना? जन्म जन्म का साथ देने का वादा किया है करिश्मा। और इसने एक बेसिक सी पापा से मिलने की बात करी थी और इस सस्ते एक्टर ने फिर से जन्म जन्म के साथ वाला डायलॉग पेल दिया। मैं बता रहा हूँ जबरदस्ती का चेप है ये। तो कान खोल कर सुन लो, विजय का बाप होने के नाते मैं उसकी जिद सुन तो सकता हूँ लेकिन मान नहीं सकता। विजय चाहता था कि तुमसे मैं एक बार मिलूं, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि आज के बाद तुम विजय से नहीं मिलोगे, क्योंकि विजय की शादी एक ऐसे घराने में होगी जहाँ उसके बराबर के लोग होंगे। और ये विजय के बाप ने भी ना अपना गंदा सा मोनोलॉग मार दिया, वही घिसा पिटा टट्टी, अमीर लड़का गरीब लड़की, एक नाचने वाली इस घर की बहू नहीं बन सकती। मेरे बेटी की शादी एक ऐसे इज्जतदार घराने में होगी जहाँ इज्जतदार घराने की बेटी जो दहेज में करोड़ों रुपया लेकर आएगी। बेवकूफ है विजय,
एक ऐसी लड़की को लेकर आया है जो बदनामी के साथ साथ दहेज में अपना एक भाई भी लेकर आई। अबे तूने अपने बेटे का डांस देखा है? एक स्किल नहीं है उस आदमी में यार। तू डांस छोड़, वो पुलिस वाला है फिर भी मोहल्ले के लोग तू तू करके बात कर रहे हैं उससे। और यार एक बात बताओ, ये नाचने वाली का प्रोफेशन शुरू से इतना गंदा क्यों बना रखा है इंडस्ट्री में? नहीं, जनरल बॉलीवुड में फ्रीलांसर की इज्जत ही नहीं दिखाते यार। अभी सारा टीवी इंडस्ट्री ना चली डांस रियलिटी के भरोसे रहे। मुझे तो लगता है ना, करिश्मा को इसके बाप को अपना पर शो का कमर्शियल बताना चाहिए। जितनी सैलरी इसके बेटे की 3 महीने की नहीं होगी ना, उससे ज्यादा वो एक शो में कर लेती होगी। और मुझे पता है ना, मुझे पता है, क्योंकि लोग हमें भी कहते हैं कॉमेडी से चल जाता है आपका। और मन ही मन मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैंने बता दिया ना बेटा कितना चल रहा है, तो तू अपने बच्चे की ना पढ़ाई छुड़वा देगा कसम से।